वेलकम टू टेक्चर मत। आज के सेशन में हम आर्कसाइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पाइथन का फंक्शन है। और ये फंक्शन कहाँ पे मिलता है हमें? मैथ मॉड्यूल के साथ में मिलता है। ये क्या करता है? जो भी वैल्यू हम इसमें एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, ये उसका आर्कसाइन वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि आप इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो -1 से लेकर 1 तक की रेंज में ही होना चाहिए। अगर उसके बाहर आप इस रेंज से बाहर या कोई भी इनपुट प्रोवाइड करोगे तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियोज को नोट डाउन किया हुआ है। 1 by 1 हम इन सिनेरियो को समझेंगे, और साथ में मैंने 2 सिनेरियोज को यहाँ पे कमेंट डाउन किया हुआ है। उनको भी बाद में देखेंगे लास्ट में कि उनका रीज़न क्या है, हमने उनको क्यों कमेंट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला सिनेरियो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट मैथ, और फर्स्ट सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट वेरिएबल में जो भी आउटपुट आ रहा है मैथ डॉट ए साइन, ए साइन मतलब आर्क साइन, और इसमें वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड करी 0.5। तो ये 0.5 के लिए आर्क साइन वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है, और सेकेंड जो सिनेरियो है वो हमने कमेंट डाउन किया हुआ है, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन स्पेस सेशन 74.py। तो 74 क्या है, मेरे प्रोग्राम का नेम है, डॉट पाई मेरा एक्सटेंशन है। अब मैंने जैसे यहाँ पे एंटर हिट किया तो इसने कुछ वैल्यूज को प्रिंट किया। तो पहले जो फर्स्ट सिनेरियो का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 0.52358977589829898। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया किसका, 0.5 का आर्क साइन वैल्यू। अब सेकेंड सिनेरियो हमने कमेंट किया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, -0.5 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो नेगेटिव में आप पास कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया -1 से 1 की रेंज में रख सकते हो। तो ये -0.5 क्लियर है, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आया, -0.5 to something। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो में क्या कर रहे हैं, फोर्थ सिनेरियो में हमने वैल्यू पास करी 0। तो 0 के लिए जब भी आप आर्क साइन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसको आउटपुट आएगा 0.0। वापस से मैंने फिफ्थ सिनेरियो को कमेंट डाउन किया हुआ है, फिफ्थ को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सिक्स सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में हमने वैल्यू पास करी है 0.866। तो जब इसका आप आर्क साइन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1.07146 something। ठीक है, तो ये तो देखा अभी तक हमने, जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को पास कर रहे थे। अब सपोज आपके पास कोई वेरिएबल है जिसमें आपने उस वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, उस वेरिएबल को अब आप पास कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एक्स 0.3, और इस एक्स को आप पास कर दोगे साइन में, मीन्स आर्क साइन में, और फिर जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 0.3469। जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो एज ए पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारे सिनेरियोस। अब हम देखते हैं उन सिनेरियोस को जो हमने कमेंट डाउन किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं सेकंड सिनेरियो को अनकमेंट करता हूँ। तो सेकंड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू ट्राई कर रहे हैं पास करने के लिए 1.5। बट मैंने जैसे आपको बताया कि आर्क साइन फंक्शन के अंदर हम वही वैल्यू पास कर सकते हैं जो रेंज में होगा -1 से 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 1.5। अगर इसको आप सेव करके फिर से प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा, मैथ डोमेन एरर। उसका रीज़न यही है कि आप जो वैल्यू पास कर रहे हो वो -1 से 1.5 के बीच में नहीं है, 1.5 है, इसीलिए ये मैथ डोमेन एरर दे रहा है। और यही रीज़न था कि हमने इसको कमेंट डाउन किया था। तो ये बस एग्जांपल इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप आउट ऑफ रेंज वैल्यू दोगे तो इस तरह से मैथ डोमेन एरर हमें मिलेगा। वैसे ही अगर आप फिफ्थ सिनेरियो को देखोगे तो वहाँ भी वही हमने किया हुआ है, एक ऐसी वैल्यू पास करिए जो है 2, जो रेंज से बाहर है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो फिर से वही एरर आ रहा है, बट अब की बार कौन सी लाइन पर आ रहा है, लाइन नंबर 30 पे, क्योंकि 30 पे आप वैल्यू पास कर रहे हो 2, जो इनवैलिड वैल्यू है। ठीक है, तो आर्क साइन का आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि इसमें आपको वही वैल्यू एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करनी है जो -1 से 1 की रेंज में हो। अगर उसके बाहर आप कोई भी वैल्यू पास करोगे तो उसका उसमें मैथ डोमेन एरर आएगा। क्लियर, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मेथड।